चूंकि बाबा जो भी आता है उसका काम हो जाता है। क्या जो भी आता है उसका काम हो जाता है? यार ये लग तो मुझे शूकी बाबा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे घर में यार बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, जाकर बाबे से पूछता हूँ कोई हाल निकल आएगा। बाबा जी उतर बैठ जाओ। बाबा जी बताओ मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ, कस्टर्ड ले आऊँ या सेवियाँ? क्यों बेटा, तुम्हारे घर एक ही बर्तन है, दोनों लेके आओ। अच्छा छोड़ो, काम बताओ किस लिए आए हो? बाबा जी मसला ये है, मेरे घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, मेहरबानी करके कोई हल बता दो। बच्चा लड़ाइयाँ किसके घर नहीं होती, पूरे 7 साल हो गए हैं मैं इस जंगल में रहता हूँ, फिर भी बाबे की बीवी बहुत खुश है। बाबा जी अब मुझे क्या करना होगा? बच्चा तुमने ये करना है, अपने घर के सामने थोड़ी सी मिट्टी उठा के आनी है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे घर क्या मसला चल रहा है। अच्छा ठीक है बाबा जी, फिर मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है बच्चा, कल मिट्टी जरूर लेके आना। एक दिन के बाद अब ये मिट्टी जाकर बाबा को दिखाऊंगा। बाबा जी आज मैं मिट्टी ले आया हूँ। अच्छा बच्चा मिट्टी दे। बच्चा अगर सुन सकते हो तो तुम्हें एक बात बताऊं? बाबा जी बताएं, मैं सुनने को तैयार हूं। बच्चा इस मिट्टी से मैंने अंदाजा लगाया है तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ बेवफाई कर रही है, जब तुम घर में नहीं होते तो गैर मर्द तुम्हारे घर में आता है। नहीं बाबा जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब यही हुआ तुम्हारी बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। बाबा जी अगर आप एक बात सुन सकते हो तो मैं सुनाऊं? जी बच्चा सुन लूंगा, सुनाए आप। बाबा जी बात ये है, असल में ये मिट्टी मैं अपने घर से नहीं आपके घर के सामने से उठा कर आया हूँ। गुरु सब कुछ हार गया।